टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9C। ऑफ चैप्टर 9 कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रॉम एशंस फॉर क्लास 11 फॉर ISC। हियर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 First sum, 5 sums we have already done in previous lecture. Question number 6. Let Z be a complex number such that modulus of Z minus 5 over eta upon Z plus 5 over eta is 1. Then show that Z is purely real. So show karna hai jo Z hai wo purely real hai. To yahan pe hum kya karte hain, let Z is equal to X plus ओटा वाई या वाई ओटा, ये लेट कर लिया, कर लिया। अब हमें यहां पे क्या दिया है, जो गिवन है वो लिख देता हूं, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस फाइव ओटा अपॉन जेड प्लस फाइव ओटा किसके इक्वल, 1 के इसके इक्वल है। हाँ जी, व्हाट वी कैन डू सर, उन्हें स्प्लिट कर देंगे हम मॉडुलस को। कुछ नहीं, मॉडुलस को स्प्लिट नहीं करना, अभी Z की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी बेटा, उसको स्प्लिट कैसे कर देंगे, चलो वो तो बाद में करेंगे, पहले Z की वैल्यू फिल कर। क्या X प्लस वाई ओटा माइनस फाइव ओटा अपॉन Z के प्लेस पे X प्लस वाई ओटा प्लस फाइव ओटा, इसका मॉडुलस किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अब एक्स प्लस इन दोनों में से ओटा कॉमन आ गया, तो वंशिका इन दोनों में से मैंने आई कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बच्चे यहाँ पे, वाई माइनस फाइव। नीचे एक्स एज लाइक इन दोनों में से आई कॉमन आ गया, क्या बचा, वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू 1। अब दोनों को स्प्लिट, क्योंकि हमें पता है ना जेड वन अपॉन जेड टू, ऊपर जेड वन नीचे, ऐसे अलग अलग मॉडुलस कर सकते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है सर, ये तो हमें मेंशन करना होता है, जैसे आपने साइड पे लिखा अब जेड वन वाला। हाँ जी बेटा, प्रॉपर्टी जो हम यूज करते हैं वो तो लिखते हैं ना, छोटे क्लासेस में देखो फॉर्मूला यूज होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो हम साइड पे लिखते थे ना। सो यस, वैसे अब चलो एक मिनट, आद्या, यस सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव है ओटा, फिर उसके नीचे वाला है मॉडुलस x प्लस y प्लस 5 का ओटा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और फिर से नीचे आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे अंडर रूट x स्क्वायर, एक सेकेंड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हाँ जी, देखो रूट को खत्म करना है तो स्क्वेयरिंग करके होगा, ऊपर वाली टर्म का स्क्वेयर करेंगे रूट खत्म, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस वाई प्लस फाइव का होल स्क्वायर, और फिर सर इधर आ जाएगा वन, क्योंकि वन का स्क्वायर करेंगे वन आ जाएगा, तो वन होगा, फिर सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कर देंगे, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव का होल स्क्वायर, फिर सर एक्स स्क्वायर और वो सब मतलब कट जाएगा, फिर सर यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा मैं, क्या आपको यहाँ से दिख जाए, वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर ओपन किया सर, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 वाई इज इक्वल टू, इसको ओपन किया, इसको y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y,
y स्क्वायर उस साइड लेके जाएंगे कट हो जाएगा 25 कट हो जाएगा 25 भी कट हो जाएगा फिर सर यहां पे आ जाएगा -20 y = 0 फिर सर y = yes sir 0 upon -20 तो 0 आ जाएगा y y 0 आ गया अगर yes, y देखो z क्या था हमारे पास x plus y वाटा था ना यस सर x plus 0 आटा आ गया यस सर 0 into something 0 होता है x आ गया अकेला यस सर तो ये क्या हुआ इमेजिनरी पार्ट जो था वो मतलब 0 होता है तो क्या होता है वो प्योरली रियल हुआ यस हमने फर्स्ट डे किया था प्योरली रियल यस सर कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने समझाया था अगर x की वैल्यू 0 है x 0 है तो वहीं वहां पे कुछ और रिलेटेड नहीं वैसे सर बिल्कुल एंड पे आ जाओ बिल्कुल नीचे स्क्वायर से स्क्वायर कटो सर स्क्वायर से स्क्वायर बच्चे हम काटेंगे नहीं सर मुझे एक बात एक मिनट मेरा बच्चा चलो मैं सिंपल सा बात करता हूँ यहाँ पे चलो ये तो 3 स्क्वायर यहाँ पे कुछ y स्क्वायर है तब तो काट सकते ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर काटता हूँ तो y बेस सेम नहीं है ना बेटा बेस सेम नहीं है ना बोलो नो सर एक टाइप से ये हो गया 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो 3 4 की इक्वल आ जाएगा ओके सर ठीक वैसे तो 3 स्क्वायर भी 4 स्क्वायर की इक्वल नहीं है बट वाई की वैल्यू तभी तो 0 आ रही है हमारे पास -5 का स्क्वायर भी 25 बनेगा 5 का स्क्वायर भी 25 बनेगा बट इसको ओपन करके करना है ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 7 तो ये हमें तोशी यस सर आज एक पालमपुर से फोन आया था नहीं पालमपुर से कौन है अंशिका यस सर आज पालमपुर से फोन आया था एक सर किसका अब ये तो मुझे नाम तो उन्होंने नहीं बताया पर बताता हूँ शायद तेरे स्कूल में ही ना हो सर हो सकता है सर मैंने बताया था एक मिनट टेंथ में है पर प्लस वन नहीं नहीं टेंथ में हुई है सर नाम सर लड़का है लड़की लड़की बेटा सर मुझे नहीं पता तो एक मिनट का नाम बताता हूँ शायद तू जानती हो किधर गया इतनी दूर तो था ही नहीं आयुषी है नाम नहीं सर मैं नहीं जानती अच्छा चलो 7th फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड तोशी Yes, sir. Find the complex number Z satisfying the equation this. इस equation को दो equations दी हैं, इन दोनों को satisfy करें. Equation this, comma this. Yes, sir. तो मैं यहाँ पे question लिखता हूँ पहले तो. पहले तो Z को let कर लेंगे बेटा हम. Yes, sir. क्या? X plus iota y. Plus y iota let कर. Okay, sir. X is equal to, Z is equal to X plus y वाइटा यस सर अब हमें दो वैल्यूज दी हैं पहली वैल्यू दी है z minus 12 मॉडुलस ऑफ ये मॉडुलस का सिंबल z yes. minus 8 वाइटा इज इक्वल टू 5/3 दिया है और दूसरा हमें दिया है z minus 4 अपॉन z minus 8 यस इक्वल 1 के इक्वल ये दोनों में Z, yes, Z की ये वैल्यू फिल कर दो
ओके सर, एक्स प्लस वाई आइटा माइनस 12, इसका मैं अलग से भी कर दूं मॉडुलस? यस सर। नीचे एक्स माइ एक्स प्लस वाई आइटा माइनस 8 आइटा, एक्स प्लस वाई आइटा माइनस 8 आइटा, माइनस 8 आइटा, इसका भी मॉडुलस 5/3। पहले इसको ही सॉल्व करते हैं, इसको बाद में करते हैं, ठीक है? यस सर। यहां से x माइनस 12 प्लस y आएगा, एक ब्रैकेट में कर लेंगे प्लस y आएगा, जो रियल पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में कर लिया और जो इमेजिनरी पार्ट था उसको अलग। नीचे x x प्लस y आएगा, आएगा कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा बेटा। यस सर। नीचे x प्लस, इन दोनों में से आएगा कॉमन गया, y माइनस 8 आ गया, 5/3 आ गया। नाउ ऊपर फिर मॉड्यूलस निकालेंगे, रूट x माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन मी अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर। वेरी गुड, 5/3 5/3 रूट खत्म करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या आ जाएगा x माइनस x स्क्वायर, ना एक बार ऐसे रख लो बेटा। ओके सर। नीचे अपॉन x स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर 25/9, इसको ओपन करो, x स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24x प्लस y स्क्वायर अपॉन मी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y इज 25/9। नहीं, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, नीचे भी कोई लाइक टर्म नहीं है, क्रॉस 9x स्क्वायर 9 4 36 थ्री कैरी 36 3 39 थ्री कैरी 9 3 12 ये आएगा माइनस 216x प्लस 9y स्क्वायर इस साइड 25x square 25y square 25 4 100 10 carry 150 160 yes plus का ये आ जाएगा 16 into 25 400 minus 400y सारी terms को एक साइड पे ले आओ 9x square minus 25x square minus 16x square माइनस 216 ओहो एक मिनट 1296 लिख दो और यहां से 1600 यहां पे पहले लिख दो एक्स वाली कोई टर्म नहीं है और ऐसे रह जाएगा वाई स्क्वायर वाली है इस साइड ले आएंगे तो माइनस 16y² हो जाएगा yes, देखो sir. ये टर्म हो गई ये दोनों हो गई जो मैंने डार्क में अंडरलाइन कर दी ये हो गई ये हो गई ये भी होगी क्योंकि ये इस साइड ले आया 25y² इस साइड की ले आया ये भी होगी ये रह गया ये इसको भी इस साइड ले प्लस 400y = 0 ये दोनों लाइक हैं और कोई लाइक नहीं है ये दोनों लाइक है माइनस 16x² करो माइनस यस सर 304 पक्का यस सर माइनस 304 10 माइनस 6 4 9 माइनस 9 0 ठीक है माइनस 216x और 216x माइनस 16y² प्लस 400y एक चीज देखो बेटा 16 सब में कॉमन आ रहा है यस सर 16 1 16 56 नहीं आ रहा 216 का आ रहा है बोलो यस सर नहीं आ रहा नहीं आ रहा ना 216 किससे आया था सर 144 हाँ जी 4 कॉमन ले लो x स्क्वायर माइनस 7 4 28 7 6 सर हाँ जी सर उधर 4x² 5 54x 54x
आगे प्लस 4y² प्लस 100y माइनस 4 अगले स्टेप में नीचे ले जाना है. मैंने यहीं पे ले गया, आपने ऐसे ही कट करके नहीं लिख जाना, अगले स्टेप में लिखना है जीरो. इसको यहीं पे छोड़ दो क्योंकि हम इसका कुछ नहीं कर सकते अभी. फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, अब इसको करो जो दूसरी कंडीशन दी. हाँ जी सर, लास्ट में माइनस 100y नहीं आएगा, हो जाती है गलती जल्दबाजी में, माइनस आएगा बेटा z के प्लेस पे. ये वैल्यू x प्लस वाई वाइटा माइनस 4, ठीक है तोशी? यस सर. x प्लस वाई वाइटा माइनस 8 इक्वल्स 1. अब देखो x माइनस 4 प्लस प्लस वाई वाइटा नीचे प्लस वाई एटा, ऊपर वाले का अलग से मॉडुलस कर सकते हैं, नीचे वाले का अलग से 1. ऊपर क्या आ गया? x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मैंने शॉर्टकट मार दिया. यस सर. स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्रॉस करेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, क्रॉस करेंगे ये आ जाएगा. y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो गया. x माइनस 4 x माइनस 8 x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 8 8x x स्क्वायर माइनस प्लस 64 माइनस 16x ये भी कट हो गया. माइनस 8 प्लus 16 8x आ जाएगा. यस सर. 48 आ जाएगा. 40 x equals to 6. 48 upon 8 6 आ जाएगा. x की वैल्यू आ गई. अब x की वैल्यू इसमें फिल कर दो. yes, वैसे ना एक काम कर सकते थे हम, ये ना ना करें तो ज्यादा बेटर नहीं काइंड, क्योंकि हमने हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया ना इसने. yes, कम से कम 5 मिनट इसने वेस्ट करवा दिया अकेले. अगर हम x की वैल्यू सीधा 6 इसमें फिल करें, 6 माइनस 12 माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर 36 प्लस वाई माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9. अब इसमें वाई की वैल्यू निकाल लोगे बच्चे? ना निकालू मैं? यस सर. निकाल लोगे ना? यस सर. तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, वाई की वैल्यू सीधी आ जाएगी. नहीं पर क्रॉस करेंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा. हाँ वाई की वैल्यू निकाल के उसके बाद इस फॉर्म में फिल कर देना. एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6, वो फिल होगी प्लस एक वाई की ना दो वैल्यूज आएंगी सॉल्व करके. वाई की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 8 और एक आएगी 17. पहले 6 और 78 फिल कर देनी है तो 6 प्लस 8 वाइट आ जाएगा. फिर 6 एंड 17 फिल कर देना यहाँ पे, 6 प्लस 17 वाइट आ जाएगा. समझ गए बच्चे? यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले तरीके से करनी है ना आखिरी में? मिडिल टर्म, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट होगा बेटा. ओके सर. नाउ नेक्स्ट सम, बड़े बड़े सम है ना, दिमाग खराब कर दिया है ना. अभी किसे पूछें? वंशिका को अभी आता नहीं है क्योंकि इसको आटा ही नहीं पता होगा अभी. जिया. यस. ऐसे बोलेगी तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा जिया. हाँ जी सर. ऐसे बहुत स्लो आ रही है, किसी को सुनाई नहीं दे रही आवाज तेरी. सर मैं बताऊं? हाँ नहीं वो जिया से पूछते हैं. सर अब आ रही है? आ रही है. ओके सर. इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 शो दैट रियल जेड इज 0. ये थोड़ा इजी है सम. सो यस. तो बता फिर, तूने यस बोला है कि ना बताया ना? लेट. So yes, sir, let z is equals to x plus
वाई आयोटा हाँ सर, अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे बीच में जो हमें गिवन है वो लिख दिया सर। यस अब सर अभी इसमें हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस वन। यहां से x माइनस वन प्लस वाई आयोटा, यहां से x प्लस वन प्लस वाई आयोटा, ये आएगा ना। अब इसका मॉडुलस सर रूट x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब उस साइड लिख देंगे। ओपन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x सर कैंसिल हो गया। x स्क्वायर प्लस 1 से यस ये कट के 0 इज इक्वल्स टू 4x। ओके बात है, चलो उस साइड ले जाओ चाहे इस साइड ले जाओ, वो तो दैट दैट इज इक्वल्स टू 0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया सर? रियल आ गया सर, प्रूव हो गया। क्या रियल आ गया सर? एक्स जीरो आ गया। हाँ फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? जीरो प्लस वाई वाइट आया। सर यस सर, रियल प्रूव करना था। तो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, हो गया प्रूव। ऐसे लिखना है लास्ट में, ओके सर। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है फिर ऐसे लिखना है, ओके सर। ठीक है। हाँ जी सर, जो आपने वो लिखा x माइनस वन प्लस वाई आयोटा ऊपर ऊपर यहाँ, यस सर, सर इसके हाँ। नीचे वाई स्क्वायर कैसे आया? तूने मॉडुलस किया कि नहीं गुरुदेव? कल तूने ज्वाइन किया था क्लास? सर जी किया, थोड़ा सा भूल गया यार। तूने सम भी नहीं किए है ना? की वैल्यू तो तूने सम किए कि नहीं किए? तूने सम किए कि नहीं किए? ए के किए सिर्फ अभी, फिर तभी तो आ नहीं रहा बेटा। तो बी के जो आपने करवाए थे वो किए हैं, बाकी जो आपने बुक में दिए थे एक्सरसाइज सी के जो आपने करवाए थे कल वो किए हैं, वो किए हैं जी। देख लो सर, भूल जाता है। ओके बच्चे ये होता है, ये एक्स है ये वाई है ना? यस पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो ये कितना आएगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर ये एक्स माइनस वन हो जाए और ये वाई हो जाए तो क्या आएगा? एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही तो हुआ। हम इसको मत देख, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो ये पार्ट है आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसका स्क्वायर ऐड होता होता है, समझे? मतलब अगर हमारे पास x इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा है तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर a माइनस बी आयोटा भी होगा तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर होगा, तो वही ही सेम आ जाएगा, समझे? अब यहाँ पे ओइटा नहीं लेते होते, ओइटा का स्क्वायर नहीं लेते होते जब हम मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो वाला, समझे? गुरुदेव तू एक काम कर, छोड़ दे बच्चे मैथ। सर भूल जाता कभी कभी। भूल जाता है ना, तभी तो कह रहा हूँ तू भूल जाता है, इसलिए कोई फायदा नहीं है करने का। छोड़ना नहीं है, भूलता नहीं है, तू करता नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। सर अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर में तो इसलिए हो नहीं पा रहा, ए हो गया था। यार तेरा कोई और क्लास भी नहीं लग रहा होगा अभी, नहीं हो रहा ना? सर नहीं, रात को भी कंस्ट्रक्शन चलता रहता है।
सर रात को नहीं, फिर कितना टाइम का? रात को भी कितने टाइम खाना वगैरह खाना होता है? अच्छा 2-3 घंटे लग जाते हैं ना तेरे को खाना खाने में सर, फिर बाकी काम करने होते थोड़े थोड़े। हाँ झाड़ू पोछा लगाना होता होगा, रोटी भी तुम्हें पकानी होती होगी है ना गुरुदेव? सर नहीं सर, और बस फिर सो जाते हैं। फिर सो जाते हैं बस, फिर सोता रहे ना, मैथ करने की क्या जरूरत है? सर इंटरेस्ट है फिर, ऐसे तो इंटरेस्ट का कोई फायदा नहीं है बच्चे। लाइफ में कुछ बनना है तो करो, कुछ नहीं करना तो बनना तो बस, फिर क्यों टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो? बोलो गुरुदेव। यस सर। अपने आप कुछ नहीं आता होता बेटा, अभी कर लूंगा सी एक्सरसाइज। बच्चे मैंने ना हमेशा लास्ट 3 सालों से, मतलब 2 सालों से, इफ्शिदा मैं क्या बोलता होता हूँ हमेशा कि मेरी कौन सी कंडीशन मान लो, इफ्शिता सो गई है, इफ्रा यस सर, क्या कहता होता हूँ मैं कि डेली का काम, डेली का काम डेली होना चाहिए बस, और ना तो तुम्हें कोई तकलीफ आएगी, ना तुम्हें रात को जागना पड़ेगा, ना कुछ और करना पड़ेगा, और टॉपर अपने आप बन जाओगे, समझे? यस सर। 9th सेम पे आ जाओ, नाइन्थ सम, मुझे लगता है आज ना नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी शुरू। जेड प्लस जेड 2 प्लस ओइटा दिया हुआ है, तो यहां पे खुशनूर यस सर सॉल्व बोला है इन्होंने, इसका मीनिंग क्या हुआ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। सॉल्व मीन्स सर जेड की वैल्यू निकालेंगे, जेड क्या एक्स प्लस वाई ओइटा की वैल्यू निकालेंगे। तू पहले कहां थी सर? मैंने बताया था बुआ के घर गई थी। पहले का मतलब 9th-10th में कहां थी सर? मैं यूट्यूब से पढ़ती थी आपकी वीडियो देखी है तो अभी मैं, हाँ पता है मुझे, अच्छे पेपर हुए हैं, पैसे बचाए हैं घर वालों के और कुछ नहीं किया। हाँ जी, नंबर कितने आते थे? इप्सिता से ज्यादा आते थे या कम आते थे? फुल फुल आते थे। इप्सिता शर्मानी चाहिए तेरे को, इप्सिता गोयल सर वो सो गई। पक्का सो गई सर? ज्यादा पढ़ के नहीं आती होगी। नहीं ज्यादा तो अभी काम पढ़ने लगी है वो। z बार मॉडुलस ऑफ z प्लस z इज 2 प्लस ओइटा गिवन है, यस सर, और लेट z को हमने ये ले लिया तो इसको फाइंड करना है, मतलब x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है, कहने का मतलब ये है, यहां पे फिल करो z के प्लेस पे मॉडुलस x प्लस y ओइटा प्लस x प्लस y ओइटा इज इक्वल टू 2 प्लस ओइटा। हां अंडर रूट, अब क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस y ओइटा इज इक्वल टू 2 प्लस ओइटा। अब सर अब दूसरी साइड लेके जाएंगे x प्लस y ओइटा को, पढ़िया हुए लाइक टर्म्स को वो कर दो, यस सर, 2 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई ब्रैकेट आया, यस सर। अब स्क्वायरिंग करो दोनों साइड्स पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस पूरा स्क्वायर में। अब क्या करें सर? अब हम 2 माइनस एक्स को एक वैल्यू मान सकते हैं स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा, ये ए हो गया ये बी हो गया, ए हो गया वो बी हो गया, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई
करेंगे इसका तो वन माइनस वाई का स्क्वायर ओटा का स्क्वायर प्लस टू इंटू दिस टू दोनों वैल्यूज आ जाएंगे डू दिस x square plus y square as like यहाँ से बच्चे इसको ओपन करो 4 plus x square minus 4 हाँ जी इधर आयोटा भी काफी ठीक है मेरी गलतियाँ तो ना ऐसे ढूंढते हैं नहीं yes sir okay एक मिनट बेटा मुझे ना चलो so one square one plus y square minus 2y bracket में sir minus 1 हाँ देखो इसको ओपन कर लिया ओटा का स्क्वायर माइनस 1 अब यहाँ पंगा पड़ रहा है so just plus 2 पहले sir bracket वाली values को करें या इनको दोनों ना 2 को पहले इनको ना कर लें yes sir 4 minus 2x minus 2x bracket 1 minus y iota. Yes, sir. Oh, sorry. Nahi, sir, wo minus mein. Kyunki uske side mein minus. Ye x square cut hoga. Yes, y square. Y square is equal to 4 minus 4x minus 1 square. Ye y cut nahi hua, beta. Minus y minus square. Minus y square plus 2y. Yaha multiply karo. 4 iota. ओटा को बाद में पीछे रख दो ओके सर 4 वहां पे माइनस आया कहां से वो माइनस जागो आद्या जागो वो नहीं कह रही मैं सर वो नीचे वाला एक सेकंड अच्छा ठीक है सर वो पीछे ही कदर ने तो ध्यान नहीं दिया सर 4 माइनस 2x चलो मैंने पहले 4 को कर दिया 4 को 1 से माइनस 2x प्लस 2xy वेरी गुड अब क्या करें इसको भी साइड ले जाएं यार इतना yes, गंदा सम तो नहीं आना चाहिए था क्या आएगा पता नहीं कैसे किया चलो जीरो इज इक्वल टू कर दें यस सेम ही आ जाएगा बस माइनस टू वाई स्क्वायर फोर माइनस फोर वाई माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स वाई फाइव टा हाँ जी सर माइनस टू वाई स्क्वायर होगा कहाँ पे सर यहाँ पे इस साइड जीरो प्लस जीरो आइटा लिख सकते हैं यार sir, ये तो स्क्वायर हो रही है सर वो माइनस टू वाई स्क्वायर होगा प्लस टू वाई स्क्वायर एक मिनट बेटा फिर से करते हैं इसको हमने ना जो स्क्वायर किया है उसके कारण प्रॉब्लम आई है हमने स्क्वायर नहीं करना था Yes. Z को बेटा मैं x plus y ओटा ले लेता हूँ अब मैं गिवन क्या है z modulus z plus z is equal to 2 plus ओटा गिवन है z modulus root x square plus y square plus z x plus y ओटा 2 plus ओटा yes comparing देखना कितना अब लेंथ ही किया हमने लेंथ ही किया ना यस सर किसके इक्वल आएगा ये टू वाई इक्वल टू आई वन सॉरी वन वाई की वैल्यू यहाँ वन यहाँ पे फिल कर दो यस सर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू 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 एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट टू माइनस एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये अभी करना था 4 plus x square minus 4x. 4x plus का हो गया 3 x की वैल्यू क्या आ गई 3 बार सर कुछ गड़बड़ की है
क्या गड़बड़ की है सर? 3-4x को 0 के इक्वल करना था। किसको? 3-4x जो आएगा कहां से? ये यहाँ पर नहीं बेटा, हमें x की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा अच्छा, पर इन्होंने उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 3/4 वाइटा प्लस वाइटा, ये आंसर नहीं था सर। तो ठीक नहीं है आंसर ना। अच्छा ठीक है यार, तो... मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं इसका हिंट देख रहा हूँ। मैं ये क्या कर रखा है इन्होंने, हिंट ये देखा नहीं, हिंट है। मैं आंसर ये देख रहा हूँ कि इन्होंने आगे सॉल्व क्यों नहीं किया। यस सर, लाइट चली गई सर, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई सर, एक्सरसाइज तो होगी। चलो आज ना इतना ही एनफ है। ओके सर, थैंक यू सर। आज दक्ष का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सर, उसे बोल देना सर। हैप्पी बर्थडे कहते ना उसे, पिछली बार तो तुम्हें बर्थडे साथ मनाया था तुम्हारे सर। यस सर, आपका भी बर्थडे तो आज सर। हम तो सर आज थोड़ी कर दो और किसकी सर, वीडियोस ऑन कराने।